सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गा कटारिया। तो भाई आज कॉफ़ी के साथ दिन की शुरुआत की जा रही है और एक लड्डू। और अब मेरा लड्डू का डब्बा इस रात ना खाया, खाया था मैंने, हाँ थोड़ा सा ही खाया। क्योंकि पेट में ज़्यादा जगह नहीं थी। तो भाई और है 26 जनवरी, सो हैप्पी 26 जनवरी। एंड जो झंडा फहराने जाना चाहते हैं हैप्पी लिख छब्बीस लें, हाँ जनवरी तो यही लिखते हैं, ठीक है, जाना हो जा सकता है, पर आज धुंध बहुत ज्यादा हो रही है। तो बच्चों को कंट्रोल करें घर में, और बड़ों को जरूरत हो तो ही जाएं, अदरवाइज 2 बजे के बाद थोड़ी धुंध कम हो जाएगी, तब आप जा सकते हैं। अभी जाए कोई फायदा नहीं है, वैसे ये व्लॉग तो कल आएगा, तब तो 26 जनवरी निकल चुकी होगी, पर ठीक है, जिसको जाना हो जा सकता है। तो अब चाय पीते हैं, सॉरी कॉफी पीते हैं, और दिन की शुरुआत करते हैं। यम्मी सुबह सुबह की चाय के साथ मॉर्निंग नहीं हुई थी मेरी, मैं दोबारा सोई थी 1-1.5 घंटा, क्योंकि मेरी बॉडी में थोड़ी वीकनेस ही फील हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी। एंड इन्होंने ज़बरदस्ती उठाया था, उस उठाने के चक्कर में नहाना तो पड़ा, काम भी करना पड़ा, पर मेरा मन बिल्कुल भी अपने हेयर सुखाने का नहीं था। मैंने कहा तुमने उठाया तुम ही उस सुखाओगे। भाई देखो, खा तो आप सकते हो बगैर पूजा के, बट अब पूजा नहीं कर सकते हो बगैर नहाए धोए। तो भाई सारा काम हो सकता है बगैर नहाए धोए, पर पूजा एक ऐसी चीज़ है जो आप बगैर कुछ नहीं कर सकते हो भाई, उसके नहाना जरूरी है। फिर चलते हैं हम किचन में। हाँ जी, ये कान में तो ये निकालो, ये कान में लगा के कभी कभी काम नहीं करते, क्यों कर रहे हो? है क्यों तो ये कान में लगा के कौन काम करता है? देख रहे भाई, फोन देना कहाँ छुपाते, फोन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका गाने बंद करके ना अपने दूर रख लो, मेरे काम कर दीजिए। जेब में मैं तनाई से को सुन रही हूँ, बोले से को जेब में तना मेरे जेब है ही नहीं इसमें, कहाँ कर दी इतनी देर में, कहाँ छुपा दी, मेरे को समझ ना आ रहा। मिलूंगा ही नहीं आज, बना रही गोभी का पराठा, लेकिन 3 गोभी आई थी, लेकिन चांस ही नहीं पड़ा बनाने का। तो भैया मिक्स वेज में गोभी खाई थी मैंने, वाह वाह वाह, बची हुई गोभी आ रही सारी को बुला दूँ, ठीक है, क्या करूँ। बावड़ी चौधरी, चलो बर्तन धो, बावड़ी वोड़ी ठीक है, बर्तन धोएगी तू, आपके हो रहे ठीक है, चावल आपका कल जैसे मार रहा दोबारा मारू क्या? बात सुनो मेरी, चावल आपके, ओट्स आपके, बर्तन आपके, सारा कुछ आपका, और धो मैं वो कल वाला काम भी चलेगा ना, लग जाएगी मिट्टी के, तो बहुत बड़ी कैसे बहुत जोर से लगती है कल वाली इसने ना दिक्कत, नहीं माना नहीं बच्चे, आराम से काम कर ले बोलो, ठीक है, ये कर दे, ये कर दो, ये दे दो ना कुछ छोड़ दे, कुछ छोड़ दे, दे वो कुछ नहीं, दे 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 खाना बना, मेरे को राइस भी बना दियो, आप मेरे काम नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है तो ये रहा, बंद नहीं करना प्लीज, कोई भी सुने मेरे पापा सुनेंगे मेरे, चुप रहे, वो तो मैं कहती हूँ ठीक है ना, शुक्र बना इस चीज का, कहती करती मैं आपकी, देव दे क्या, देव देव सॉरी ना सॉरी, क्या कर रही है, क्या कर रही हो, ये है काल से, तुम कहाँ से आए हो ये बताओ, आज दूसरे गर्लफ्रेंड आई थी, नीचे डू एक और नीचे डू देवो ये डोंट डू दिस, नो फोन दे दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा जिम जाने में कभी भी, क्यों मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आपने बोला वर्कआउट नहीं करना आज से, तो आज वर्कआउट करना ही नहीं आपको, इतना परेशान करती हूँ मैं, हाँ बहुत ज्यादा, सच में भी छोड़ दूंगी, छोड़ दे देख लेना, फिर कभी नहीं करूंगी, छोड़ दे, चाहते हो ना आप ये, कल पक्का करूंगी, ठीक है, कल नहीं 2 दिन बाद कर लियो, मंडे करूं फिर डायरेक्ट, हाँ
ठीक है, आप तो ये चाहते हो मैं करूँ ही ना। हाँ सब समझ रही हूँ मैं, समझ रहे ना, सब समझ रही हूँ। चलो ठीक है, समझ आप चाहते नहीं मैं आपको आसपास देखूँ, दिखूँ मतलब, सॉरी। हाँ वही वही वही, ठीक है जा रहा हूँ अपना जिम। ठीक है चलो। आज मैडम झाड़ू कैसे, आपको वर्कआउट के लिए मना कर रहा था, झाड़ू उठा ली क्यों? कुछ तो काम दो जी, फिर काम वाली ना आई ना आई। हाँ उसे बुखार हो रहा है यार आज। हाँ मुझे पहले पता होता तो थोड़ा जल्दी आती और जिम। अभी टीम की हो रही थी वहाँ तो, जब नहीं भी करना पड़े तो कोई दिक्कत ही हो रही, यहाँ दिखती है। कोई ना, आज तो वैसे भी छुट्टी है, वो आएंगे ना 12 बजे तक आएंगे ना। ये कौन ले गए भाई, ये कौन ले गए मेरी इतनी सारी मिट्टी? सही है ना, करे जा जा तू करेगी साफ। चलो करो आप काम फटाफट। जी भाई आ गए अपने जिम पे, अब करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो आज का वर्कआउट करने वाले हैं बैक का वर्कआउट, तो सारी एक्सरसाइज लिख रही है, एक्सरसाइज दिखा भाई देख ले। ऐसे पहले बैक एक्सरसाइज लिख लेता हूँ सारी, ठीक है? फिर सारी भी ये देख लो, सारे जो भी मेरे प्रोग्राम रहेंगे ना, देखो जैसे मैं 65 kg कितने रैप मारता हूँ, कितने मैं ड्रॉप सेट करा, ये सारी चीज़ लिखनी जरूरी है जो मैं पिछले वेट को देख के आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है? ये इसीलिए जरूरी है। तो अभी आपको आगे दिखाते हैं ट्रेनिंग पैक क्या क्या है। सच में तुम अंदर ले लो, फिर तक जा रहा हूँ ना, पराठा खाते मैं सो मूली एक्स्ट्रा, सॉरी गोभी एक्स्ट्रा कर ली थी,
एक पराठे लाए। समझ में आए, मूढ़ी मूढ़ी खाते खाते घने दिन हो गए थे। आप आलू कौन से खा रहे थे? हमेशा आलू खाते हो आप? हाँ। तो भाई गोभी के पराठे के साथ एंजॉय करते हैं और इस मील के साथ टीवी देखते हैं और फिर सोएंगे, पर अभी नहीं सोएंगे, नींद अभी मुझे आने दी, आप आओगे तभी सोएंगे। ठीक है जी, मेरा सब सारा कुछ प्रोवाइड करके चले गए हो। सुबह 9 बजे तो उठाऊं और 9:30 बजे पड़ जा कर। दिन में नहीं सोए ये भी बताओ। चल अब सो जा। तो भाई इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, ठंड बहुत तेज लग रही है, ठंड कंट्रोल हो रही है, इसलिए मैं अंदर ही घुस के ही व्लॉग एंड कर रही हूँ। कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट एंड सीताराम।